मेडिसिन दवाइयाँ क्या होता है? दवाइयाँ ऐसा चीज़ है जो कि आप उसका यूज़ करके अपने बॉडी का हीलिंग कर सकते हैं। डैट मीन कि आपका बैड मूड टू गुड मूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डैट मीन एग्जांपल पे आप ये ले लीजिए कि जब आप बुखार रहता है तो आप क्या करते हैं, एग्जांपल पे जब दवाई ले लेते हैं तो आपका क्या है, ख़राब मूड से अच्छा हो जाता है। तो मेडिसिन का काम यही है कि आपके जो डिजीज़ है उसको सही करना। इसका नॉलेज आपको इसलिए होना चाहिए कि जब आप डॉक्टर के साथ काम करेंगे तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तो वो प्रोसीजर या तो फिर कोई भी आपको डॉक्टर समझाएगा कुछ कैसे कर सकते हैं। मेडिसिन में दो तरह के कैटेगरी में बांटा गया हॉस्पिटल में, एक तो है मेडिकल केयर और दूसरा है सर्जिकल केयर। ऐसे डॉक्टर जो कि सिर्फ फिजिशियन है, डैट मीन कि वो काटते छींटते नहीं है, काटते नहीं है मतलब सिर्फ दवाई देते हैं, उसे हम कहेंगे फिजिशियन। और जो डॉक्टर आपका सर्जरी करता है उसको हम कहेंगे सर्जन। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेसिक एंड क्लिनिकल ब्रांचेस ऑफ क्लिनिकल मेडिकल। डैट मीन कि आप ये कह लीजिए कि जैसे कि हमने जाना कि डॉक्टर दो तरह के, एक होता है हमारा फिजिशियन और दूसरा होता है हमारा सर्जन। फिजिशियन का काम क्या है कि उसका जो आपका नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस तरह का स्टडी करके उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानता है, उसी हिसाब से फिर उसका क्योर करता है डिजीज़ का। और फिर मान लीजिए, और फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल। सर्जिकल में क्या है कि अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हार्ट के लिए कार्डियोवास्कुलर सर्जरी जो है कार्डियोलॉजी होते हैं उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जिकल प्रोसीजर, इसको हम गायनो कहते हैं। इसका काम क्या है कि जो आपके गैस्ट्रियल डैट मीन की कह लिए पूरा उस सिस्टम पर ये काम करता है। एक होता है न्यूरो सर्जरी उसे कहते हैं जो न्यूरोन्स और ब्रेन का नर्वस सिस्टम का उस वाले सर्जरी करते हैं उसे हम न्यूरो डॉक्टर कहते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन टू दूसरा ऑर्गन जैसे ट्रांसप्लांटेशन करना, मान लीजिए कोई किडनी आपका खराब हो गया तो एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन ट्रांसफर करता है, उस तरह के डॉक्टर को ये सर्जरी करते हैं। और फिर है आपका ट्रोमा सर्जरी। ट्रोमा ऐसे इंजरी या तो फिर एक्सीडेंट जो कि अचानक एक्सीडेंट, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट से कोई इंजरी हो गया तो इस तरह के सर्जरी को हम ट्रोमा सर्जरी कहते हैं। फिर आता है वैस्कुलर सर्जरी। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल जो आपके बॉडी में पाइप्स हैं जो ब्लड का कैरी करता है उसमें जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसको हम कहेंगे वैस्कुलर सर्जरी। ये थे आपके बेसिक सर्जरी एंड ब्रांचेस। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपका क्या करता है, आपको चेक करने के लिखता है, ब्लड चेक करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, आपका अदर किस मान लीजिए एक्सरे करने के लिए, ये सारे क्या होते हैं ब्रांचेस, सपोर्टिंग ब्रांचेस है मेडिसिन का। मेन ब्रांच नहीं, सपोर्टिंग है। सबसे पहले आपका आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका क्या कॉजेस है, क्या डिजीज़ का कंडीशन है, ये सारे करते हैं। फिर आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जैसे कि आपको डॉक्टर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सारे अगर करवाते हैं तो ये आपका रेडियोलॉजी के ब्रांचेस में आता है। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में कोई ड्रग है, आपने ट्रीटमेंट करा तो उस कंडीशन में अगर कोई अगर मान लीजिए रिएक्शन हो जाता है, कोई ये कर जाता है तो उस तरह के कंडीशन में हम इसे कहेंगे फार्माकोलॉजिकल में। इसमें हम फार्माकोलॉजी स्टडी ब्रांच में यही करते हैं कि ड्रग का स्टडी करते हैं कि कहाँ क्या है, कौन सा इफेक्ट पहुँचाएगा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये क्या करता है कि जो जैसे कि मान लीजिए मलेरिया, टीबी, एचआईवी, ये कम्युनिटी मतलब लोगों में फैलने से रोकता है। कैसे रोके, क्या क्या उपाय करना है, ये सारे इनका ब्रांचेस है, सपोर्टिंग ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। ये थे पूरा आपको इस मॉड्यूल में आपको मैंने बताया कि ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।